जितना कमजोर होगा दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। टाइगर 3 के लिए किन तैयारियों में लगे हुए हैं बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान और क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीब्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के टाइगर यानी कि सलमान खान जिस फिल्म में हो वो फ्लॉप हो ही नहीं सकती। पिछले कुछ सालों से तो मानो सलमान खान फिल्मों की सफलता की गारंटी सी बन गए हैं। ऐसी ही एक धमाकेदार फिल्म रिलीज हुई थी अब से 8 साल पहले, जिसका नाम था एक था टाइगर। इस फिल्म में सलमान रॉ एजेंट के रोल में थे, जो अपने फर्ज के आगे किसी और की परवाह नहीं करता, लेकिन ये किरदार इतना आसान नहीं था। आपको बता दें, सलमान खान की एक था टाइगर साल 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनके एजेंसी के एजेंट बने थे और लोगों को इस फिल्म की कहानी, किरदार, फाइट, सॉन्ग, डायलॉग सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसीलिए बहुत बेसब्री से हो रहा था इसका जो सेकंड पार्ट है उसका वेट। एक था टाइगर की सफलता और इस रोल की प्रसिद्धि को देखते हुए साल 2017 में इसका सीक्वल भी रिलीज हो गया, जिसका टाइटल था टाइगर जिंदा है। इस फिल्म को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया और ये भी सुपरहिट रही। हालांकि इसे कबीर खान ने डायरेक्ट नहीं किया बल्कि अली अब्बास ने डायरेक्ट किया। बेस्ट एक्शन की कैटेगरी में फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिलहाल सलमान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्में लाइनअप में बहुत सारी फिल्में, कभी ईद कभी दिवाली है, अंतिम है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है टाइगर 3 और उसकी ही शूटिंग में बिजी है सलमान खान। आपको बता दें, सलमान खान इस फिल्म के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस समय सलमान खान स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, वहीं जिम में भी उनका जरूरत से ज्यादा टाइम बीत रहा है। मेकर्स की तरफ से सलमान खान को बता दिया गया है कि उन्हें टाइगर 3 के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार उन्हें ऐसे अवतार में दिखाया जाएगा कि तमाम फैंस हैरान रह जाएंगे। वहीं खबर तो ये भी है कि एक्टर पहली बार पार्कर ट्रेनिंग लेंगे इस फिल्म के लिए। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई सारी नई टेक्निक सिखाई जाएंगी। ऐसे में सलमान खान अपना बेस्ट अवतार दिखाने के लिए एकदम तैयार है। कहा जा रहा है कि मेकर्स ने एक्टर्स के लिए भी कई सारे एक्शन सीन्स जो हैं वो तैयार कर रखे हैं, उन्हें भी सलमान संग कई हैरतअंगेज स्टंट करने होंगे। ऐसे में लार्जर देन लाइफ सीन्स देखने के लिए फैंस भी बेकरार हो रहे हैं और मेकर्स भी दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे हैं। टाइगर 3 पर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसे कई फिल्मों में काफी पैसा लगा है। जहां टाइगर जिंदा है में 150 करोड़ लगाए गए थे, तो वहीं अब टाइगर 3 फिल्म में उसका डबल यानी कि 300 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे जाहिर है कि ऐसे में VFX शानदार और विश्वसनीय होने वाला है। वो दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि जो फैंस सलमान की फिल्मों का वेट करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आप कितने वेट कर रहे हैं टाइगर 3 के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीब्रास स्टूडियोज़ को।